हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम है 9:48 एंड आज का डेट थर्सडे 4 मई एंड आज वीकली एक्सपायरी है। यहाँ पे एक पोजीशंस बनाया गया है, एस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। पीएनएल 34,000 के लॉसेस रनिंग राइट, एंड लेट मी शो यू द ऑर्डर बुक। यहाँ पे 9:17 पे मार्केट ओपन होते ही ये पोजीशंस लिया गया था राइट। लेट मी शो यू द चार्ट गाइस। यहाँ पे देखिए पहला जो कैंडल्स है कितना वोलेटिलिटी है। पहले तो इसने सेंट्रल पिवट को टच की, बायस ने डोमिनेशन दिखाते हुए प्राइस को ड्रैग करते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ लेकर आया, लेकिन ऊपर में इस पीडीएच यानी प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया एंड यहाँ पे आके क्लोज दे दिया। तो इस पॉइंट पे मैंने एक पोजीशंस बनाया, बट प्रीमियम डंपिंग ज़्यादा हो रहा है, दैट्स वाई इतना लॉसेस है। अभी भी देखिए हमारे एंट्री पॉइंट के आसपास ही मार्केट ट्रेड करता हुआ, फिर भी 37,000 के लॉसेस। ये है ऑप्शन बाइंग में एक डिसएडवांटेज जो प्रीमियम डीके, और आज एक्सपायरी है तो तेजी से डीके हो रहा है। एस आई टोल्ड लास्ट वीडियो कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, दैट्स वाई रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, एंड प्रीवियस डे भी मैंने अपलोड नहीं की वीडियोस। नाउ लेट्स सी कि ये जो पोजीशंस मैंने बनाया किस तरह ब्रेकआउट देते हैं। हालांकि जो सेंटीमेंट है वो बीआरईसी है, ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट अगर देखें तो बीआरईसी है, दैट्स वाई ये पोजीशंस बनाया गया है। बट एक भी कैंडल्स इस पीडीएच के ऊपर आके क्लोजिंग दे दे, देन आई विल स्केयर ऑफ दिस पोजिशन। दिस इज द स्ट्रिक्ट सेल जो कि है यहाँ पे 4950 पॉइंट का सेल है, एंड 1:1.73 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ये पोजीशंस बनाया गया है। पहले इस सेंट्रल पिवट को टच करने में मैंने हाफ क्वांटिटी बुक करूंगा, एंड नेक्स्ट टारगेट वुड बी हियर, दैट्स मीन 43,125। ज़्यादातर यहाँ पे देखिए लास्ट 3 दिन से एक रेंज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एंड प्रीमियम डंपिंग यानी सेलर्स ज़्यादा पैसा बना रहे हैं कंपेयर टू ऑप्शन बायर। सो लेट्स सी, जो भी होगा आई विल अपडेट। सो गाइस, अभी जो टाइम है 2:39 है, एंड एस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 2,35,000 प्रॉफिट रनिंग राइट, एंड लेट मी शो यू द चार्ट। पहला जो पोजीशन हमने बनाया था यहाँ पे अगर देखें तो 1,68,000 समथिंग लॉस हमने बुक की, एंड देन कंटिन्यूसली यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशंस बनाते गए राइट, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते गए। और अभी आप देख सकते हैं 100 लॉट के साथ हम निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस के साथ बने हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं हो पा रहा है, बट अभी देखें कि बैंक निफ्टी सुपर बुलिश है। अभी जस्ट रिसेंट हाई जो स्विंग हाई बनाया था उस हाई की ब्रेकआउट हुआ है, एंड अभी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 43,500 उनके ऊपर सस्टेन करता हुआ, हो सकते कि इस लेवल्स को एक बार रिटेस्ट करें एंड देन फिर एक बुलिश मूवमेंट दे सकते हैं। तो इट्स टाइम टू बुक सम क्वांटिटीज। ओके, यहाँ पे मैं हाफ क्वांटिटी बुक करना चाहूँगा, 2.5 लाख के आसपास प्रॉफिट रनिंग राइट। सो लेट मी बुक सम क्वांटिटीज, 50 लॉट, ओके 68 एंड 2,52,000 रनिंग। रिमेनिंग 50 लॉट आई विल होल्ड विथ स्टॉप लॉस हियर राइट। अगर किसी भी तरह निफ्टी ये जो स्विंग लो बनाया राइट, जहाँ पे 9 पीरियड मूविंग एवरेज भी हैं, 18,190 दिस वुड बी स्टॉप लॉस फॉर रिमेनिंग क्वांटिटीज। लेट मी मार्क दिस लेवल हियर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। ओके, तो इस लेवल को नज़र रखते हुए ये जो रेस्ट क्वांटिटीज है इस क्वांटिटी को मैं होल्ड करना चाहूँगा टिल 315। ओके, सो लेट्स सी। देखिए पहला पोजीशंस जो था बनाया गया था शॉर्ट करने के लिए, बेसिकली यहाँ पे
इस पोजीशन पे बनाया गया था बिकॉज दिस वाज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। जैसे इसके ब्रेक किया उसके बाद मैंने एग्जिट ले लिया था, ट्रैवल के कारण मैं कंटिन्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाया और उसके बाद फिर से हम लॉन्ग पोजीशंस बनाते गए निफ्टी में, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते गए क्योंकि आज एक्सपायरी है। एंड अभी अगर देखें तो अभी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता हुआ 43,530। सो अभी हम इंतजार करेंगे। आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, आप अगर धन में अकाउंट ओपन करते हो तो ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, ये आपको फ्री में मिल जाते हैं, फ्री में प्रोवाइड करते हैं धन। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सिंपल आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको मिल जाएगा, अभी फ्री अकाउंट ओपनिंग चल रहा है तो उस लिंक को इस्तेमाल करके अकाउंट ओपन कीजिए एंड देन आप हमारे प्राइम टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। अभी देखिए इसका जो प्रीमियम है 70 तक आ चुके हैं एंड 4 लाख समथिंग ये पोजीशन हमको प्रॉफिट दे रहा है। एंड सुबह से मार्केट बुलिश ही था एंड ओपनिंग में 5 मिनट कैंडल अगर देखे तो वोलेटिलिटी देखने को मिला था, वहाँ पे मैंने एक गलत पोजीशंस ले लिए थे अकॉर्डिंग ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट एंड देन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद मैंने कंटिन्यू लॉन्ग पोजीशंस बनाता गया। ओके और अभी भी मैंने फर्स्ट सेल क्वांटिटी बुक की एंड रेस्ट क्वांटिटी को होल्ड करके ट्रेंड के साथ जाना पसंद कर रहा हूं अभी। सो लेट्स सी, अभी जो स्टॉप लॉस है, अभी देखिए करंट एक स्विंग लो लगा दिया निफ्टी राइट, तो अभी स्टॉप लॉस यहां से 18,190 से यहां तक मैं करना चाहूंगा 18,200। एक भी कैंडल क्लोजिंग दे इसके नीचे देन आई विल स्केयर ऑफ दिस पोजीशन। फिफ्टीन मिनट का कैंडल अगर देखें तो आप देख सकते हैं ये जो 3 कैंडल है यानी लास्ट 45 से मार्केट में किस तरह की तेज़ी देखने को मिल रहा है लास्ट 45 मिनट से। इट्स ओके, अभी हमारे करंट जो सपोर्ट है ये जो स्विंग लो 5 मिनट चार्ट में हमने मार्क करके रख दिया 18,200, तो इसको नज़र रखते हैं हम रेस्ट क्वान्टिटी को होल्ड करेंगे। हेलो गाइस, अभी देखिए 3 बजने वाला है, 2:59 हो चुका है एंड प्रॉफिट यहाँ पे 2,70,000 का आसपास है। मार्केट बिल्कुल वन डिरेक्शन में रैली दे रहा है बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू बुक दिस क्वांटिटी जो भी हो रहा है ओके, क्योंकि 3 बजे के आसपास यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है एंड मैं रेडी रखता हूँ। ओके एंड 77 चले बुक कर लेते हैं, जो भी होगा कोई अफसोस नहीं है, आई हैव बुक्ड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टुडे एंड लेट्स सी 2,73,179 रुपीज़ प्रॉफिट बुक टुडे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड आप अकाउंट ओपन करके हमारे कोर्स भी सब्सक्राइब कर सकते हो, कोर्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जरूर चेकआउट करें। क्यों अभी भी देखिए पॉजिटिव मूवमेंट ही दे रहा है, ऑलरेडी निफ्टी में बहुत अच्छा रैली देखने को मिला आज, ये देख सकते हैं 18,230 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ निफ्टी, ये देखिए 84 आ चुके हैं हम 79 के आसपास एग्जिटली इज गोइंग हायर एंड हायर 87। अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, दैट्स वाई यहाँ पे वीक भी बन रहा है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।